क्यों जी? रात को तुम कहाँ थे? फोन तक नहीं किया। मैं इतनी परेशान हो गई थी कि सारी रात मैं सो भी नहीं पाई। ऐसा क्यों किया तुमने? क्यों, तू रात को क्यों नहीं सोई? देखो तुम्हारी शक्ल कैसी हो गई है। देखो ये आरती ले लो, मैं अभी पूजा करके आई हूँ। बस हे परमेश्वर, हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हो रहा है प्रभु। दिव्य आरती का क्रोधित होकर ये अपमान किया जा रहा है। हे भगवान, तुम्हारा हाथ तो नहीं जल गया ना? ये आरती वारती का ड्रामा बंद कर नाटक क्यों करती है? मैंने तुझे पहले कहा मैं इन पर विश्वास नहीं करता। अहंकारी है। क्या हुआ? ये क्या किया तूने सुबह सुबह? हाथ जला लिया? बेटी लक्ष्मी जा जल्दी दवाई लेकर आ। रुक इधर, कोई जरूरत नहीं। तुम लोग अपना अपना काम करो, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो, दिमाग खराब कर देते हैं। हाय राम, अब क्या होगा? ये लड़का कब सुधरेगा? हाँ पूर्णा, इसका अहंकार ही इसके गर्व को मूर्ख बना रहा है। मनुष्य का क्रोध ही उसकी विनाश का कारण बनता है, और मनुष्य भगवान से नहीं डरता, और रवि भी उसी मूर्खता में विनाश करने जा रहा है। ऐसे क्रोध का दुष्प्रभाव क्या होता होगा स्वामी? जब मनुष्य क्रोधित होता है तो संसार में उसे कुछ नहीं दिखाई देता, तब वह अपने आप को सबसे बलवान समझता है, तब वे अभिमानी हो जाते हैं और छोटे बड़ों का अंतर नहीं समझते, अपने आप को सबसे बड़ा ज्ञानी और भगवान से भी नहीं डरते, और जो चाहता है उसी को प्राप्त करना चाहता है। क्यों रे भी? हाँ? कल तुम जिस काम पर गए थे उसका क्या हुआ? टेंडर में सक्सेस मिला क्या? हाँ? ये टेंडर हमको ही मिलना चाहिए। टेंडर मिलना जरूरी है, इस टेंडर से हमारी कंपनी का बहुत नाम होगा। हाँ? तुम खामोश क्यों बैठे हो? तुमने वो टेंडर डाला है या नहीं डाला, बताओ मुझे। नहीं पापा जी। फिर तुम इतने परेशान क्यों हो? बात यह है कि पापा जी, टेंडर तो हाँ? लेकिन लोएस्ट किसका है उस बारे में कुछ पता नहीं चला। टेंडर डाल दिया ना, किसका हाई है किसका लो है ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो ना? पापा जी भी ना बात बात पे बेवजह भड़कते रहते हैं, इस टेंडर का मामला भी हल करना ही पड़ेगा। इस बारे में मुझे अब कोई नया आइडिया सोचना पड़ेगा, तभी ये मामला हल होगा। हेलो हेलो, मैनेजर बात कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग तो गुड है, तुम जरा गणेश को फोन लगाओ। सर कॉन्फ्रेंस लगाता हूँ सर मैं। ठीक है लगाओ। ए गणेश, तू हमारी ही कंपनी में काम करता था और अब हमसे ही टक्कर ले रहा है, तो उन सराफत से ड्रॉप हो जा। अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो तुमको 5 करोड़ का फायदा हो सकता है, 50-50। अगर तुम करते हो तो मैं ड्रॉप करूंगा। अबे 2.5 करोड़ की बात क्या करता है, मैं तुझे 2.5 पैसे भी नहीं दूंगा। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो ड्रॉप हो जा। सर थोड़ा धीरज रखिए आप सर प्लीज। तुम धमकी किसे दे रहे हो? मैं भी देखूंगा तुम क्या कर लोगे। मार डालूंगा तुझे, देखता हूँ किसे मारते हो। ए! स्वामी छोटा बड़ा क्रोध ये सब क्या है? क्रोध से, मोह से, लोभ से, मूर्खता से, अहंकार से, अभिमान से, ये सब कुछ इंसान को विनाश तक ले जाने के साधन हैं और मनुष्य को भस्म करते हैं। मतलब स्वामी? ये आकर्षण है, ये सारी चीजें मनुष्य के लिए बिल्कुल हानिकारक हैं, इसी से विनाश होता है। स्वामी एक बात बताइए, ये कभी लाभ के कारण बन सकते हैं क्या? और एक दूसरे के साथ शत्रुता का लाभ है क्या, हमें बताइए स्वामी। हाँ मनुष्य के अच्छे कर्म ही जीवन में हमेशा लाभ की तरफ ही ले जाता है। लोभ और क्रोध से मनुष्य अपना स्वयं दुश्मन बन जाता है। सत्य असत्य में कौन विजयी होता है स्वामी? सत्य और असत्य दोनों में सत्य का ही
हमेशा विजय होते आया है। पूर्णा, आज से रवि और उसका मन बदल गया है और अब वह उसके गुण बदल चुके हैं। रवि अब विजय की तरफ प्रभावित हो रहा है। ये मैं क्या सुन रही हूँ स्वामी? काम क्रोध मद मत्सर से इंसान कभी उठ पाएगा? विस्तार में बताइए ना स्वामी। यही मोह है। जन्म से ही मनुष्य मोह जनित होता है। यह प्रकृति का धर्म है। ऐसा भी होता है जैसे आयु मनुष्य की बढ़ती है उसका अनुभव भी बढ़ता जाता है और इसी मोह में पड़कर यह सब मेरा है, यह सब मेरे अपने हैं, इसी घमंड में घिर जाता है। इसलिए इस मोह से दूसरे दुर्गुणों में फंसकर उसकी बुद्धि और ज्ञान भ्रष्ट हो जाते हैं। अंतर्ज्ञान के कारण मनुष्य बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। जो मनुष्य इसका सही उपयोग ना कर सका वह विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए रवि के पांचों गुण धीरे धीरे नष्ट हो गए हैं। नारायण नारायण, मेरा मन भर दिया आपने और मेरे मन का बोझ कम कर दिया आपने प्रभु, और मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया, वरना मैं भी बड़ी दुविधा में फंसा हुआ था, बिना भोजन के ही पेट भर गया। हेलो, यस राव स्पीकिंग। हाँ, हमारे टेंडर के बारे में पूछ रहे ना आप? हाँ, मेरा बेटा आया था ना टेंडर डालने के लिए अपने मैनेजर के साथ में। क्या टेंडर डाला ही नहीं? अब क्या होगा? ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ए रवि, 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 तुमने टेंडर की रिपोर्ट के बारे में कुछ मालूम किया नहीं किया? पापा जी, मैंने मैनेजर से कहा है, वो एक घंटे में बताएगा। क्या बताएगा वो? कि हमने टेंडर नहीं डाला, यही ना? उस गणेश के बच्चे ने टेंडर डाला है और हम देखते रह गए कायरों की तरह। यही बताने वाला है ना तुम्हारा मैनेजर मुझे यहाँ पे आके? पापा जी, यस, ये बात ऑफिसर ने खुद मुझे फोन करके बताई थी। और तुम इतने नालायक निकलोगे मुझे मालूम नहीं था, बिल्कुल भी मालूम नहीं था। अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, लेकिन तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा मुझे कि उस टेंडर से होने वाला फायदा क्या था। उसकी रिपोर्ट चाहिए मुझे अभी। वो क्या है, मैं अपने दोस्त के घर पर गया था और मुझे वहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग गया था और टेंडर जमा करने का टाइम खत्म हो गया था। ओहो, देखो इसे, देखो जरा, मेरा बेटा और तुम्हारा सपूत रवि कुमार। हमारे बेटे ने टेंडर नहीं डाला क्योंकि उसे अपने पर्सनल कामों से फुर्सत नहीं थी। अपनी नालायकियों की वजह से तूने मेरा नुकसान कर दिया और चले आए मेरे सामने ये कहने कि मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैंने टेंडर नहीं डाला। कैसे बेटे तुम? तुम्हारी गलतियों की वजह से हमें कितना नुकसान झेलना पड़ता है ये बात तुम शायद कभी भी नहीं जान पाओगे। अपनी पर्सनल लाइफ ही जानते हो तुम बस। तुम्हारे जैसे नालायक बेटे को जन्म देकर के बेवकूफी की। पापा जी, अब बहुत हो गया, बस चुप हो जाइए। क्यों? इतना नुकसान करने के बाद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है क्या? ये सब गलती आपकी है। मुझ पर कभी भी आपने भरोसा नहीं किया। अपनी जिम्मेदारी को समझने का आज तक आपने मुझे कभी भी मौका नहीं दिया। और आज मुझसे एक छोटी सी गलती क्या हो गई? आप मुझे ऐसे डांट रहे हैं जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है ना? अरे, गलती हर किसी से होती, मुझसे भी हुई है। सही है, गलती तो मेरी ही थी। तुमको पैदा करके मैंने पहली गलती की, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी नहीं बताई दूसरी गलती की, और तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया तीसरी गलती की, और मैंने तुमको और तुम्हारी बीवी को यहाँ रखा ये मेरी चौथी गलती थी, और इतना सब कुछ सहकर मैंने तुम्हें घर से नहीं निकाला ये मेरी पांचवी गलती थी। मान गया मैं, सब मेरा ही दोष था, मेरा ही दोष था, मेरा ही दोष था। आखिर हमेशा आप इतना क्यों चिल्लाते हो पापा जी? जरा सी बात का इतना बतंगड़ बना रहे हो। मैंने नहीं कहा था आपको कि आप मुझे पैदा कीजिए, ये आपने अपने लिए किया है, अपनी हवस मिटाने के लिए आपने मुझे पैदा किया और इसका दोष मुझे दे रहे हो। अब आप बुढ़े हो गए और कुछ दिनों में मरने वाले हो, और आपके मरने के बाद आगे हमारा अच्छा बुरा हमें खुद ही सोचना होगा। सारा घर सर पर उठाने की जरूरत नहीं है। क्या कहा?